येज़ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो आज बच्चों फिर मैं आपके सामने एक जे ई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इनडेफिनेट इंटीग्रल का छः चार दो हज़ार तेईस शिफ्ट वन मॉर्निंग में आया हुआ एक सवाल लेके आया हूँ और नॉर्मली ये सवाल यू नो प्रैक्टिकली ये मैं टीचिंग नोट्स में मैं लेता हूँ हर साल बट दी वे जे ई मेन हैज़ प्रजेंट दिस सवाल इज़ एब्सोल्यूटली वंडरफुल ये ऑप्शन के साथ था जो मैं आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में दिखा रहा हूँ चलिए चालू करते हैं आई एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वेर इंटू एक्स एक्स स्क्र एक्स प्लस टेन एक्स अपन एक्स टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्र आई जीरो जीरो है एंड देन फाइंड आई फाई बाई फोर तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको अपने पिछले सेशन में कहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ दो ही टेक्निक्स हैं वन एज सब्स्टिट्यूशन एंड वन एज बाई पार्ट्स और जिस तरह से हम लोग बंसल क्लासेज में बच्चों को पढ़ाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल जो बंसल सर ने हमें सिखाया है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबसे बड़ी टेक्निक टेक्निकुशन है और सोचने का तरीका भी मेरे प्यारे बच्चों क्या ये सवाल सब्सिट्यूशन से हो सकता है इफ इफ आंसर आंसर इज इज यस प्रोसीड एंड नो देन यू हैव टू थिंक मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ बेटा अगर वहां पे एक्स स्क् नहीं होता और खाली ये लिखा होता एक्स एक्स स्क् एक्स और मैं आपको सिर्फ फील दिलाने आया हूं जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल इज़ ऑल अबाउट फील और ये पढ़ाते समय मेरे लेक्चर में भी कवर करता हूँ कि यू you नो know, हमारी सबसे पहली टेक्निक है सब्सटीट्यूशन अगर इस फंक्शन के ऊपर आईटी ने कोई भी पावर चढ़ा दी यू you नो know, तो हमें पढ़ाते हुए इस चीज़ पे बंसल सर काफ़ी जोड़ देते थे और वही लेगेसी मैं आगे कैरी कर रहा हूँ यू you नो know, क्या ये सवाल सब्सिट्यूशन से हो सकता है तो हमारा सोच जो है वो हमें मजबूर कर रही है सोचने के लिए क्या इस चीज़ का डेरीवेटिव ऊपर तो नहीं है आपके डेरीवेटिव स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको दिख रहा है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स जैसे ही आप प्रोडक्ट लगाओगे अरे हाँ यार इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको टी मानेंगे दिस डी एक्स में चला जाएगा आई थिंक जो मैंने बोला वो आपको समझ में आया और पार्ट्स लगाते समय यू नो सेकेंड फंक्शन हमेशा उसको मानते हैं जो इंटीग्रेबल होता है तो अगर मैंने इसके साथ आप देख रहे रहो एक्सक्वेयर लगा दिया तो ये जो पूरा फंक्शन था ये इंटीग्रेबल था और इसके साथ ये लगा हुआ है ये ना तो अब आपका दिमाग सब्सटीट्यूशन पे नहीं चलना चाहिए आपका दिमाग पार्ट्स पे चलना ही चाहिए क्योंकि एक तो दो अलग अलग नेचर के फंक्शन हैं और ये जो पूरा का पूरा हमारा सेकेंड फंक्शन है ये इंटीग्रेबल है मैं आपको सिर्फ फील दिलाऊंगा पूरा सवाल तो आपको ही करना है क्योंकि जब आप करोगे तभी आपका ज्ञान खुलेगा एक फील आपको दिला दूंगा और यू नो हमें फार्मूला पता होना चाहिए बाई पार्ट्स का क्या आराम से लिखें आई एक्स का मतलब होता है आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो सबको फार्मूला पता है फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वुड मीन इसको हम टी मानेंगे मन में तो ये डी टी डी बाई टी स्क् माइनस वन बाई टी और टी किस को माना है ना तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से लिखें और साफ साफ लिखें फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड हमें सर ये भी बोलते थे जब हम पढ़ते थे बंसल सर है ना माइनस के बाद थोड़ा सा गैप दे के बच्चो इंटीग्रल का निशान बनाओ ताकि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आए ये भली हो सकता है छोटी सी बात हो मेरे प्यारे बच्चों बट है बहुत बड़ी क्योंकि अगर आपने इंटीग्रल का निशान यहाँ बना दिया तो जो कॉन्स्टेंट होंगे वो इधर आ जाएंगे और फिर वो कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ 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 सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट देखिए इसके डेरिवेटिव में टू एक्स आया तो वो जो कॉन्स्टेंट है हमें बोला जाता था बाहर रखें और वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन वो ये यहाँ लिखा हुआ है तो एक माइनस ऑलरेडी है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस अब जो एक्चुअली ये एक फ्रेश इंटीग्रल आपके सामने आ गया जैसे ही आपने पार्ट्स लगाया एक फ्रेश इंटीग्रल आपके सामने आ रहा है आज जो मैं आपको एक रामबाड़ देके जाऊंगा बेटा इस सवाल के माध्यम से आप इसको याद रखिएगा ये एक फ्रेश सवाल है तो एक फ्रेश सोच आपकी आनी चाहिए हाँ सर आनी तो चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री में मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्पेशली इन इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे जैसे अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है तो मैं साइन कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करूंगा बट ऐसा हमें बचपन से सिखाया गया जब हम टेंथ पास करके इलेवेंथ में आए थे कि बेटा टिग्नोमेट्रिक में कभी भी अटको तो साइन कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए तो हो सकता है आप यहाँ पे आपका थॉट परसेप्शन शायद कहीं किसी और डायरेक्शन में चले जाए बट ये जो इंटीग्रल है जैसे ही आप साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे लेटर से दिस इंटीग्रल इज आई वन तो जैसी हम i1 में साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये एक्स एक्स अपॉन। में क्या आया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। और पुनः मेरे प्यारे बच्चों में आपसे फिर कह रहा हूं आपकी सोच क्या ये सवाल सब्सिट्यूशन से हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की प्रोफाइल है जी हाँ इस चीज का डेरिवेटिव जब आप देखोगे फिर ये आपको ऊपर दिखेगा सर इसको टी मानेंगे ये डी टी डी बाई टी का इंटीग्रल एल एंड टी, टी क्या है एक्स साइन एक्स प्लस तो अल्टीमेटली ये आई वन इंटीग्रल आपके पास आया ब्यूटिफुली नो you know, बहुत छोटा सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आई एक्स जो हमारा फाइनली बनने जा रहा है दैट इज माइनस एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस टू टाइम्स ये जो आई वन इंटीग्रल आया मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है आई वन इंटीग्रल एल एन ऑफ ठीक है अब में सच की इंपॉर्टेंस नहीं होती बट आप मॉडल लगा देंगे तो अच्छा रहेगा प्लस अ प्लसेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब ने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स जीरो पे देखो कंपेयर करो इसको x जीरो पे वैल्यू कितनी है जीरो तो एक्स जीरो ही आप रखोगे cos जीरो वन एल एन वन जीरो एक्स जीरो रखोगे ये भी जीरो तो सिंस I zero मेरे पास zero है एंड therefore C is zero ये लीजिए कितना आसान हो गया आपके सामने I एक्स आ गया इज योर आंसर आंसर पूछ लीजिए क्या पूछना है अब मेन्स आपसे पूछ रहे दी वैल्यू ऑफ I एट x इक्वल टू पाई by four तो मेरे प्यारे बच्चों x की जगह पाई बाय four रखेंगे हट आंसर आएगा बट इंपॉर्टेंट आंसर तो खैर आप ले आओगे बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है थॉट परसेप्शन कि हमने किस तरह से इस सवाल में सोचा और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हमने बाई पार्ट्स लगाया क्योंकि ये पूरा फंक्शन हमें इंटीग्रेबल दिख रहा था और बाई पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड फंक्शन मानना और सेकेंड फंक्शन उसको मानते हैं जो इंटीग्रेबल होता है एक तो ये टिप दे के जा रहा हूं दूसरी टिप आपको दे रहा हूं बच्चों इनडेफिनेट में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अटकें कभी भी आप मेरी बात याद रखिएगा साइन को में कन्वर्ट करिएगा और देखिएगा आप उस प्रॉब्लम से अवश्य रूप से बाहर निकलेंगे आई थिंक आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा और कुछ मैं सिखा पाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों को सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी गॉड ब्लेस यू ऑल